जी वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल एन अदर डे एन अदर व्लॉग इन माय लाइफ कैसे आप सब लोग उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे मज़े में होंगे हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में तो जनाब ये मैंने व्लॉग बनाया था सैटरडे के दिन जिस दिन मैंने ग्रॉसरी की थी और मैंने ये व्लॉग उसी दिन फिल्म किया था लेकिन मैंने कहा इसको वीक डेज में लगा दूंगी क्योंकि आप लोगों को सबको बड़ा शौक होता है कि गुल आप हमें ग्रॉसरी हॉल दिखाते हैं कभी हमें आप ये दिखाएँ कि आप ग्रॉसरी कैसे आ, जब आप इसको प्रजेंट करने के लिए जोड़ते हैं जब आप इसको वो स्टेज करती हैं तो वो आप कैसे करती है वो हमें दिखा दें और उसके बाद आप उसको कहाँ कहाँ से मेटते हैं ये भी दिखा दें तो मैंने ये व्लॉग उस दिन इसी नीत से बनाया था कि इन शी ताला, मैं आपको एक दो दिन के अंदर ये ब्लॉग मैं आपको दिखा दूंगी ताकि आप, आप इंजॉय कर लें कि आपको पता चले कि हम लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक ब्लॉग करने के लिए जो कि होता है ग्रॉसरी का व्लॉग और वो आप लोगों को अच्छा भी लगता है क्योंकि जब मैं आपके सामने चीज़ें दिखाती हूँ आपको उनके प्राइसेस दिखाती हूँ सब चीज़ें दिखाती हूँ तो वो आपको बहुत अच्छी लगती हैं चीज़ें तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम लोगों को जब आपको ही होती हैं चीज़ें नॉर्मली ये होता है कि जिस तरह से ये चीज़ें आई लोग यहाँ से चीज़ें निकालते हैं और अपने अपनी पेंट्रीज़ में अपनी अपनी जगह पर रख लेते हैं लेकिन हमारे साथ चूँकि हम लोगों ने इसको फिल्म करना होता है आपके साथ शेयर करना होता है कि हम क्या लेके आए हैं क्या नहीं लेके आए तो उसके लिए हमें बाकायदा इसको प्लान करना पड़ता है तो ये चीज़ें हम करते हैं बिहाइंड द कैमरा जो कि आपको कभी नजर नहीं आई तो आज मैंने सोचा कि चले आपके लिए फिल्म करती हूँ और जब ये सारी फिल्म हो जाएगी उसके बाद इन शी आपको ये भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम इन चीज़ों को कहाँ कहाँ रखते हैं तो वो आपको बड़ा रोसा दिखाऊँगी कोई उसमें मैंने कोई ऐसी एडिटिंग नहीं की कोई कुछ भी नहीं किया ये पूरा जो व्लॉग आज आप देख रहे हैं विदाउट एनी एडिटिंग की जैसे मैंने बनाया बस इसमें मैंने वॉइस ओवर किया और मैंने इसको आपके सामने रख दिया है आपके देखने के लिए अब आपने मुझे बताना है इसका फीडबैक देना है कि आप लोगों को ये कैसा लगा ऐसे हम लोग करते हैं मैं और बैबर जब्राइल खोलते हैं चीज़ों को और बैबर सारी चीज़ों को सजा देती है वो चीज़ों को डिफरेंट कैटेगरीज में डाल देती है लाइक जो स्नैक्स होते हैं वो अलग होते हैं जो फ़्रिज की चीज़ें होती हैं वो अलग होती हैं फ्रीज़र की चीज़ें हमारी अलग होती हैं तो सब चीज़ों को हमें बाकायदा प्लान करके चीज़ों को तरतीब देना पड़ता है ऐसा नहीं हो सकता कि एक जूस का पैक और साथ में आपके धनियों का पैक हो तो इस तरीके से हम लोग नहीं करते हैं हम लोग हमेशा चीज़ों को बाकायदा प्लान करके उनकी डिफरेंट कैटेगरीज बनाते हैं और उसके मुताबिक हम चीज़ों को सारों को सेट करते हैं ताकि जब मैं आपको दिखाऊं तो मुझे बार बार कैमरा हेयर एंड देर ना लेके जाना पड़े बल्कि वो एक ही जगह पे कैमरा हमारा अच्छे से काम करता रहे तो बस जनाब ये होती है हमारी पूरी रूटीन ये हम जब ग्रॉसरी करके आते हैं ना ग्रॉसरी करके आने के बाद तकरीबन एक से डेढ़ घंटा हमें लगता है इन चीज़ों को आपके सामने सिर्फ जोड़ने के लिए और उसके बाद तकरीबन आप टोटल कह सकते हैं कि हमें टू 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 एंड हाफ़ आवर्स टोटल लगते हैं एक ब्लॉग को बनाने में चीज़ों को समेटने में और फिर चीज़ों को उनकी प्रॉपर जगह पर डालने में ये तकरीबन दो से तीन घंटे का प्रोसेस होता है जो हम एवरी ग्रोसरी हॉल के दिन हम लोग करते हैं तो इस दिन मुझे ये सहूलत होती है कि नवीद अंदर जाना घर पे नहीं होते हैं वो भी क्लब जाते हैं तो वो क्लब से देर से आते हैं जब वो आते हैं उस वक्त तक हम लोग अपना व्लॉग करके फ्री हो चुके होते हैं बस हम समेटा समाटी कर रहे होते हैं लेकिन वो ये सारा मिस ज़रूर देखते हैं और तो मुझे नवीद हमेशा कहते हैं कि इतनी ज़्यादा देर लगती है तुम लोग को ये व्लॉग बनाने में नॉर्मली मुझे ये होता है कि जब मैं कोई फिल्म करती हूँ तो उसमें मुझे ये होता है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालनी पड़ती बस मैं डेली रूटीन की आपको चीज़ें दिखाती हूँ इस तरह के व्लॉग्स की आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालनी पड़ती हैं ताकि आप लोग उसको इंजॉय कर सकें क्योंकि अदरवाइज़ जो ग्रॉसरीज होती हैं वो आप स्टोर्स में भी जाके देखते हैं डिफरेंट ब्लाग्स में भी जाके लोगों के देखते हैं डिफरेंट चैनल्स जा है, तो में जाके देखते हैं तो उनमें से अगर आपको किसी के ग्रॉसरी हॉल्स या कोई भी शॉपिंग हॉल्स अगर अच्छे लगते हैं तो इट मीनस कि उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डाली है आपको वो चीज़ें प्रज़ेंट करके उनकी डिटेल्स देने में तो मेरी भी यही कोशिश होती है जिस दिन मैंने ये व्लॉग करना होता ना ग्रॉसरी का व्लॉग उस दिन मैं ज़्यादा कुकिंग के काम में ना पढ़ूँ क्योंकि जब मुझे कुकिंग करनी होती है ना क्योंकि नॉर्मली नौ, मैं आ, जो ग्रॉसरीज करती हूँ वो मैं संडे को करती हूँ तो जिस दिन मेरी सैटरडे को ग्रॉसरी होती है उस दिन मैं बड़ी खुश होती हूँ कि उस दिन मुझे कुकिंग नहीं करना होती हम खाना बाहर से लेके आते हैं तो बस यहाँ से काम से फ्री होती हूँ कॉफ़ी पीने जाती हूँ कॉफ़ी पी के आते हैं और उसके बाद बस हम लोग क्या करते हैं कि बस हम लोग खाना लेके आते हैं और खाते हैं और इन्जॉय करते हैं लेकिन अगर किसी दिन मुझे इसको पकाना पड़े लाइक ऐसा टाइम हो कि जिसमें मुझे ग्रॉसरी के बाद खाना पकाना है तो वो मेरे बड़ा मुश्किल हो जाता है ना शुक्र है कि नहीं करनी थी ये सैटरडे का दिन था जिसे मैंने ग्रॉसरी की थी तो बस आराम से मैं लगी आप देख रहे होंगे को कोई हमें तेज़ी नहीं है और मेकाइल भी आ चुका है अपने काम पर लग चुका है वो उसका काम होता है ये सारे बैग्स कलेक्ट करना और उसमें जो फट जाते हैं वो उसको गार्बेज करता है जो ठीक होते हैं वो उनको रखता है तो ये सारे काम मेरा मेकाइल करता है तो चलें बस ये हो गया जी ग्रॉसरी व्लॉग और इसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें वन बाई वन दिखाती हूँ और अब लेके चलती हूँ डिटेल की तरफ चलें जी अब आपको दिखाना स्टार्ट करती हूँ यहाँ से स्टार्ट करते हैं ये बास्केट है ना तो ये आप लोग देख लेंगे ये है जी हमारी बास्केट और ये है जी फ्रूट्स उसके नीचे मैंगोज भी हैं वो जो लेमन है ना लेमन के नीचे सारे मैंगोज है तो येलो जो सारे हैं वो उसमें है ये एप्पल्स और ये वाले दो दो एप्पल्स हैं ना ये बिन ये दो एप्पल्स की बिन ये इसमें से दो या तीन एप्पल्स हमने यूज किए हैं ये आए थे थर्टी सिक्स डॉलर के <laughs> जिसका मैंने आपको बताया था और ये बास्केट आप लोग हमेशा पूछते हैं किधर से ली है तो ये बास्केट जनाब मैंने कॉस्को से ली थी लॉन्ग लॉन्ग टाइम पहले बहुत टाइम हो गया इसको तो अभी तो ये वहां पे अवेलेबल नहीं है लेकिन आप लोग हमेशा इसके बारे में क्वेश्चन करते हैं तो मैंने सोचा है आपको मैं बता दूं पूछे बगैर कि ये मैंने कॉस्को से ली थी बास्केट तो ये है जी हमारी बास्केट फिर हम इधर आ जाएं इधर मैं आपको लेकर आप जाते हैं हमारे फ्रिज की तरफ पेंट्री में बाद में जाते हैं पहले मैं आपको अपना फ्रिज दिखाती हूँ ये देख लें जी ये है जी हमारा फ्रिज ये चेक कर लें ऐसे फ्रूट्स और उसके पीछे भी सारी ब्रेड्स हैं उनके पीछे भी सारी ब्रेड्स हैं जूसेस फ्रूट्स एग्स हैं एग्स के पीछे भी चीजें पड़ी हैं यानी इनके पीछे पीछे भी चीजें हैं ये सिर्फ एक लेयर में नहीं है इधर सारे वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं ये चीज़ें मैंने इधर रखी हुई हैं इसके नीचे क्यूकम्बर्स और ये सब चीज़ें इनके नीचे हैं ये ये इधर हरी मिर्चें हैं पीछे लेटस वगैरह ये सब चीज़ें इधर ये पड़ी हैं इधर अगर आ जाएँ तो इसमें टोमेटोज़ हैं टमेटोज के साथ इस साइड पे मैंने क्या रखा हुआ है इधर इधर हरा धनिया भी पड़ा हुआ है और नीचे लहसुन भी है अब ये बंद नहीं होगा बस ये ऐसे ये मैं इनको ना खोल के नहीं रखती मैं इनको ऐसे पाउचेस के अंदर ही रखती हूँ मुझे ये ऐसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो ये देखें अब ये सही नहीं बंद होगा तो मैंने इसको प्रॉपर बंद करना है अच्छा जी ये गया तो ये फ्रूट एंड वेजिटेबल्स वगैरह मुझे अच्छी लगती हैं ऐसे पड़ी हुई सब चीज़ें सामने सामने कुछ ऐसे छुपा छुपा नहीं है ये हो गया उसके बाद में आपको इस अच्छा चले पहले ये आपने एक लुक देख लिया ना ये देख ली ये है पूरा ऐसा फ्रिज जगह मैं दूर से आपको दिखाऊं तो ऐसे नज़र आ रहा है ठीक अब हम क्या करते हैं हम इस फ्रिज को करते हैं बंद और अब हम अपने ओपन करते हैं ये वाला ड्रॉर इस ड्रॉर में ये इस तरीके से पड़ा है फूड जी ये देख लें बच्चों ने पता नहीं कैसे कैसे चीज़ें रखी हैं वही वाली बात जो बच्चे हैं ना वो कभी अपने अपने हिसाब से चीज़ें रखते हैं तो इसमें मिल्क होता है जूसेस होते हैं लाइक सारे जो जूसेज बच्चों की जो पीने वाली चीज़ें हैं ना वो इस ड्रॉर में है ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ पहले कि यहाँ पे आपने जो टेम्परेचर रखना है मेरे पास कोल्ड ड्रिंक्स है ना तो मैंने कोल्ड ड्रिंक्स को ऑन किया हुआ है जिसना मीट करना है तो आप इस तरीके से इसको चेंज भी कर सकते हैं ईजी सी चीज़ें हो जाती हैं कोई इतना मुश्किल नहीं है इसको रखना चलो ये क्या इसके बाद है जी हमारा ये वाला ड्रॉट जिसमें मेरे पास सारी फ्रोजन चीजें हैं इसमें आप देख लें ये बच्चों के पिज्जाज हैं बर्गर हैं ये मैंगज जो हम लोग यूज़ करते हैं स्लर्फीज वगैरह के लिए या मिल्क शेक्स के लिए पिज़्ज़ा आइसक्रीम फ्रोज़न वेजिटेबल्स हैं तो आपके ऊपर मैं मीट नहीं रखती हूँ इधर अगर आप आ रहे हैं तो इधर भी आइसक्रीम पिज़्ज़ा बर्गर्स इस तरह की चीज़ें हैं ये सारी मैंने इधर इस तरीके से इन चीज़ों को आप देखें तो ये ऐसे नज़र आता है भरी भरी माशाला है लेकिन ये है कि सारी चीज़ें उसमें आराम से पूरी आ जाती हैं ऐसे बंद किया आ, वाटर मेलन की उधर जगह नहीं थी तो वाटर मेलन हमने इधर रखे हुए हैं दोनों नॉर्मली ये उस बास्केट में होता है लेकिन जब ज़्यादा फ्रूट होता है तो मैं इस शेल्फ़ पे भी चीज़ों को रख लेती हूँ अब आ जाए चलते हैं हमारी पेंट्री की तरफ एज इजी आपको दिखा रही हूँ मैंने कोई इसको सेट नहीं किया आपको देख के पता चलेगा ऊपर से आप लोग देख लें स्टार्ट कर लें ये चॉकलेट्स अब मैं इसलिए ख़रीदती नहीं मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पड़ी हैं वो गोल गप्पे पड़े हैं बाउंटी हाँ ये बाउंटी ये मेरी क्लीनिंग बास्केट है ये मैं निकालती हूँ फ्राइडे के फ्राइडे पूरी बास्केट निकालती हूँ इसको यूज़ करती करके फिर इसको वापस रखती हूँ इधर घर हम आ जाए तो ये देखें जैसे बच्चों ने रखी है ना चीज़ें वैसे ही नज़र आ रही हैं तो ये सारे चिप्स वगैरह हैं चिप्स के पीछे जो ये एक बड़ी बास्केट है ये भरी है इसमें सारे हमारे सूरज के मसाले हैं लाइक ये क्या है एक सेकंड मैं आपको भी दिखाती हूँ फॉर एग्जांपल जिसना ये है काली मिर्च इस तरीके से पूरे पैकेट्स यहाँ पे भरे हुए हैं ये चीज़ें हैं पॉपकॉर्नस हैं शान के मसाले थर्ड पे आ जाए तो ये सारे के सारे मेरे बच्चे आजकल सिर्फ बेयर पॉज़ खाते हैं तो सिर्फ बेयर पॉज यहाँ पर पड़े हुए हैं इधर हम आएंगे तो यहाँ पे भी सारे चिप्स वगैरह पड़ी हैं इसके नीचे सवैया बूंदी इस तरह की चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं ये बच्चों के स्नैक्स वगैरह हैं और ये देखें ये जो मैं लेके आई थी ना सौंफ वग़ैरह ये मैंने अभी छालियाँ बनानी है तो मैंने इधर इसको ऐसे रखा ताकि मैं इसको बाद में आराम से बनाऊँ ये चीज़ें हैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स हैं ड्राई फ्रूट्स इधर पड़े हैं नट्स वगैरह जो बॉक्स में हैं बाकी ड्राई फ्रूट मैंने इधर रखे हुई पिस्तियर वगैरह के पैक वो मेरे इधर पड़े हुए हैं तो ये क्रैकर्स वगैरह तो ये देख लें यहाँ पे बच्चों के क्रैकर्स कुकीज चिप्स और ये पीछे हमारे दालों के भी पैक्स पड़े हैं इसके पीछे सारे दालों के पैक्स हैं ये सारी चीज़ें हैं नीचे पे नीचे भी ज़मीन पे वो प्याज टमाटर प्याज एंड आलू वगैरह जो भारी चीज़ें वो मैंने इधर रखी हुई हैं ये हमारा राइस कुकर यहाँ पे पड़ा मैंने यूज़ किया था इधर मैंने जो एक्स्ट्रा रखी होती है ना इस दालों के पैक्स हैं वो एक्स्ट्रा ऑलमंड्स के पैक हैं नट्स हैं चने हैं बेसन है हाँ ये क्या है ये वन मिनट ओट्स हैं ये मैं हलीम में डालती हूँ तो ये वाली सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं जो एक्स्ट्रा होती हैं तो ये है जी हमारी पेंट्री ऐसे नज़र आती है मैंने कहा आपको दिखाती हूँ भाई आप लोग हमेशा कहते हैं कि गुल आप हमें संभाली हुई भी, भी तो दिखाएं कि आप कहाँ संभाल संभाल के आप संभाल के सारी ग्रॉसरी रखती हैं तो ये देख लें ये इस तरीके से नज़र आती है अगर आपको ओवर ओवरऑल एक लुक ये है जी उसका ओवरऑल लुक ये देख लें ऐसे नज़र आती है तो ये बड़ी जरूरी है एक एक चीज़ आपको मैं अगर इसको मैं संभाल संभाल के रखू ना जैसे जिसके वेल ऑर्गेनाइज कहते हैं तो मेरे पास कोई भी चीज़ सही तरीके से नहीं रखी जाएगी तो मैंने सारी चीजें एक मुझे पता है कि इधर ये कुकीज़ का ऑयल है ये दालों की जगह है ये नट्स की जगह है ये स्नैक्स की जगह है ये सारी चीजों का मुझे पता है वो क्लीनिंग बास्केट है लेकिन इसको मैं बहुत ज्यादा समेटा समाटी नहीं कर सकती क्योंकि अदरवाइज मेरे लिए खुद के लिए मुश्किल हो जाता है